IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है ये कार्यक्रम अविवेकः परमा पदां पदम। किसी गांव में माधव नाम का एक विप्र रहता था। उसकी पत्नी और उसका पुत्र भी उसी के साथ रहते थे। एक दिन नदी में नहाने के लिए जाते समय माधव की पत्नी ने माधव से कहा, अयि भो, अहम् स्नातुम् गच्छामि, यावत् अहम् प्रत्यागच्छामि, तावत् शिशुम् परिरक्ष। निश्चिन्तं भूत्वा गच्छ, अहम् अत्रैव स्थास्यामि। इसी बीच राजा के घर में श्राद्ध भोजन के लिए निमंत्रित करने के लिए राज कर्मचारी माधव के पास आकर बोलता है, भो माधव, राजभवने श्राद्ध भोजनार्थम राजा भवन्तम् आमंत्रयति, शीघ्रम आगच्छतु भवान्। यदि सत्वरं न गच्छामि श्राद्धार्थम् अन्यः कोऽपि वृतो भवेत्, यदि गच्छामि तर्हि बालकस्य रक्षकः का भविष्यति। अहो चिन्तितम्, एष नकुलः बालकस्य रक्षकः भवितुम् अर्हति, एनमेव नियोज्य राजप्रासादं गच्छामि। माधव माधव, सत्वरं आगच्छतु भवान्। एष आगच्छामि भो। स्वामिन् आज्ञापयतु। नकुल, श्राद्धभोजनार्थं यामि, शिशुरयं त्वया रक्षणीयः। यथाज्ञापयति भवान्। साधु, साम्प्रतं राजभवनं गच्छामि। इस प्रकार पुत्र की रक्षा में नकुल को नियुक्त कर श्राद्ध भोजन के लिए माधव घर से बाहर निकल जाता है। इसी बीच माधव के घर में सर्प का प्रवेश होता है। इतस्ततः भ्रमामि, अत्र दोलने शिशु स्वपिति, तस्य स्पर्श सुखमनुभवामि। अयि मयि सत्यपि सर्पः दोलनम् आरोहति, निवारयामि एनं, नो चेत् शिशुं दशेत्। नकुल, त्वं दूरे एव तिष्ठ, अस्मदीयं सहजं वैरं दूरे एव तिष्ठ, नो चेत् संघर्ष भविष्यति। त्वं शिशोः समीपं मा गच्छ, स्वामिना आदिष्टोऽस्मि शिशोः रक्षणार्थम्। अहं तु शिशोः निर्दोषत्वम् अनुभवितुं तत्पार्श्वे गच्छामि। मा मा गच्छतु, मा, नो चेत्। नो चेत् किं, नो चेत् किं। इस प्रकार नकुल और सर्प में भयंकर लड़ाई होती है। अंततः नकुल की विजय होती है। नकुल सांप को मार देता है। सांप को मारकर नकुल ने शिशु की रक्षा की। शिशु की रक्षा करने से उत्साहित एवं प्रसन्न नकुल घर के बाहर बैठ जाता है। उधर श्राद्ध भोजन करके जल्दी जल्दी माधव घर आता है। नकुल के रक्त रंजित मुंह को देखकर माधव घबराया और बोला, अयि किमिदं नकुलस्य मुखं रक्तरंजितं,
नूनम अनेन मम शिशुः व्यापादितः। नकुल स्वामिन्, रे कृतघ्न, त्वया मे पुत्रः हतः। स्वामिन् श्रृणोतु, स्वामिन् अहं त्वामपि मारयामि, व्यापादयामि। स्वामिन् त्वां व्यापादयामि, व्यापादयामि। अरे मम शिशु तो जीवति, किं कृतं मया? अत्र सर्पोपि मृता दृश्यते। ज्ञातं शिशोः रक्षणार्थं स्वामी भक्तेन नकुलेन सर्पः मारितः, अतेव तस्य मुखं रक्तरंजितमासी। किम् अविचार्य मया आचरितम्। हार्दिक मया उपकारकः सेवकः अविचार्य एव मारितः, बहु अनर्थः आचरितो मया, आचरितो मया। प्यारे बच्चों, आपने सुना माधव ने किस प्रकार बिना सोचे समझे नेवले को मार दिया। बिना सोचे समझे कार्य करने वालों को बाद में बहुत पश्चाताप करना पड़ता है, इसलिए हमेशा सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, सहसा विदधीत नक्रियाम अविवेकः परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। अविवेकः परमा पदाम पदम। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉ. रंजीत बेहरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, प्रेरणा गिरीश त्रिपाठी, श्रेयांश द्विवेदी और बलदेवानंद सागर। ध्वनिंकन बटिलैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल। निर्माण निर्देशन तथा ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।